इंटरनेट नहीं है तो अभी हम ये टॉपिक कवर करेंगे, एक वॉल्यूम पढ़ेंगे, दूसरा टॉपिक है इसके अंदर हमारे पास लेंथ और स्लैश एरिया स्लैश वॉल्यूम। और इसके बाद है टाइम, टाइम के अंदर हमारे पास टू टाइप्स है, टेल वर्सेस लॉग, और लास्ट चीज मेरे पास है स्पीड। अच्छा बेटा, अभी तक हमने दो चीजें पढ़ ली, खामोश, अब आवाज ना आए किसी की। अब तक हमने कितनी चीजें पढ़ी हैं? वैसे दो बेसिक चीजें पढ़ ली है मेजरमेंट की, अगर अभी के इससे पहले की बात बताऊं तो। एक हमने पढ़ी है लेंथ और दूसरा हमने पढ़ा है एरिया। लेंथ क्या होता है वन बाय वन जिनसे पूछूंगा वो बच्चे बताएंगे। हाँ भाई आदिल खड़े हो जाओ, लेंथ को एक्सप्लेन करो। हाँ कैसे नापना मतलब? और कोई बच्चा लेंथ को डिफाइन करें, लेंथ क्या क्या चीज लेंथ होगी? जी जी हाँ, फासले को नापने के लिए लेंथ इस्तेमाल होती है। और कोई बच्चा? हाँ हाँ जो बताते जाओ, सही बता रहे हो, गलत कोई नहीं बता रहा, हर बच्चा अपना जवाब दे लाइन। देखो मेजरमेंट होती है, एक चीज होती है मेजरमेंट, जो हम इसको किस टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं मेजरमेंट्स में, हमने यही चीज समझनी है। मेजरमेंट्स का मतलब होता है किसी चीज को नापना। अब नापा हर तरह से जाता है, जिसको बोलते हैं ना मेजरमेंट्स का असल मतलब सिर्फ नापना नहीं होता, नाप तोल दोनों मेजरमेंट के अंदर आते हैं। अगर किसी चीज को तराजू पे रख के तोला वो भी नापना हुआ, बर्तन में पानी डाला नाप के कि इतने पानी या एक या दो गिलास, ये भी क्या है नापना हो गया। और दूसरा इंची टेप से किसी चीज को नापा तो वो भी क्या हो गया मेरे पास मेजरमेंट। तीनों चीजें, जिस तीनों किस्म मेरे पास मेजरमेंट्स में आती है। लेकिन बैठ जाओ बैठ जाओ, एक मेजरमेंट वो वाली है जिसमें हम किसी चीज का फासला नाप रहे होते हैं। फासले का मतलब असल में डिस्टेंस क्या होगा, उससे पहले एक चीज समझनी पड़ेगी ना, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा, फासला मतलब, हाँ द स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो नुक्तों के दरमियान, दो पॉइंट्स के दरमियान जो स्पेस है उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। अब हमारी ये फिजिक्स की क्लास नहीं है, वरना हम देखते हैं डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वो हमारा टॉपिक नहीं, हम सीधा डिस्टेंस को समझ रहे हैं। तो एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, इस इन दोनों पॉइंट के दरमियान में जो फासला है वो मेरे पास क्या है, डिस्टेंस है, वो मेरे पास क्या है, डिस्टेंस। अब चाहे वो यू नाप रहे हो, चाहे वो यू नापो आप, चाहे यू नाप लो, यहां से फास्ट मोड तक का फासला कितना होगा? दो के आसपास होगा। अच्छा अब मास मोड की अगर मैं बात करता हूं जैसे है, तो मास मोड एग्जैक्टली ये रोड जा रहा है, डबल रोड, ये मास मोड है समझ लो, ये पेट्रोल पंप है ना, ठीक है, ये मास मोड का रोड चल रहा है। आते आते इस रोड के बिल्कुल एंड पर आ गए बिलफर्स, और बीच में चौक भी आता है समझ लो, ये 24 वाला चौक है, एक रास्ता यहां निकल रहा है, यूं हम आएंगे है ना, और फिर यहां भी रास्ता निकल रहा है, यहां एक छोटा सा रास्ता निकल रहा है, हम इस तरफ आते यहां आके फिर आगे गली में जाने के बाद हम यहां बैठे हुए, ऐसा ही है, ठीक है,
एग्जैक्टली है ना, अभी जहां बैठे हैं यहां से नीचे उतरेंगे तो पहले कहां जाएंगे? राइट साइड पर। राइट साइड पर जाने के बाद आगे रोड आएगा, वहां से क्या होंगे? फिर राइट पर होंगे। आगे जाके रोड आएगा, वहां से क्या होंगे? लेफ्ट। लेफ्ट होकर चलते जाएंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? मार्श मोड़ पर। यही रोड एग्जैक्ट बन रहा है, ठीक है। अभी जो आप फासला बता रहे हो वो आप ऐसे बता रहे हो ना, यूं करके। असल में मार्श मोड़ और इसका पॉइंट क्या है? एग्जैक्ट ये है या नहीं? मार्श मोड़ वो रहा, लेकिन जाने के लिए आप यहां से जाते हैं। बस इसीलिए मैंने ये कॉन्टेक्ट बनाया है कि सर यहां से एक पॉइंट ये रहा, दूसरा सर सीधे चले जाए। नहीं बेटा, बीच में रास्ता ब्लॉक है, रोड है, कुछ भी है, मसले मसाइल है, ठीक है। डिस्टेंस हमारे पास ही आगे, डेस्टर का यार, डेस्टर पास करो। तो ये एक चीज हमने ये देख ली कि फासला मैं बोल रहा हूं। अब वो फासला किसी भी तरह हो सकता है, इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो, या इस फॉर्म में हो, है उसको हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस ही कहेंगे। क्या कहेंगे? डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस को नापना भी तो है या नहीं? इस डिस्टेंस को हमने क्या करना होता है? नापना होता है। अब जब नापेंगे इसको, किस में नापेंगे? मीटर में या किलोमीटर में, ठीक है, मीटर या फिर किलोमीटर, ठीक है। और इसी तरीके से अब ये भी एक फासला है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं भाई इस बोर्ड में यहां से यहां तक कितना फासला है, इसको आप कैसे बताओगे? सेंटीमीटर में बताओगे या ज़ाहिर है मीटर में बता दोगे भाई, ठीक है, या फिट में बता दोगे, ठीक है। अब मेन चीज ये कि आप यहां से यहां तक का डिस्टेंस मुझे बता रहे हो, फासला। अब इसी डिस्टेंस को जब हम ये मीटर की बात करते हैं तो मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। किसका यूनिट है? लेंथ का। असल में ये डिस्टेंस का यूनिट नहीं, पहले लेंथ का यूनिट है ये। मेरे पास किसका यूनिट है? लेंथ का। लेंथ का यूनिट है मीटर या किलोमीटर या फिट या गज। इसी से मेरे पास निकला है डिस्टेंस। तो किसी भी फासले का अगर मैं बताता हूं इस डिस्टेंस का मतलब इस लेंथ का, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस और लेंथ को मैं सेम बोलूं, एक चीज बोलूं, तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहां से मार्श मोड़ तक की क्या लेंथ है या यहां से मार्श मोड़ तक क्या डिस्टेंस है। लेकिन जब हम फासले की बात करते हैं, किसी ऐसी चीज की बात करते हैं कि सफर की बिलफर्ज, यहां से वहां तक, यहां से वहां तक, तो अब ये सफर है तो इसको हम डिस्टेंस नापते हैं, फासला नापते हैं। क्या नापते हैं? फासला। अगर कोई एक चीज है और उस पर हमने किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर नापना है तो हम उसको कंसीडर करते हैं लेंथ। अब देखो मैं बोलूं इस पर्दे का फासला कितना है, नहीं, इस पर्दे की लंबाई कितनी है, ऐसा ही बोलूंगा, या चौड़ाई कितनी है। चौड़ाई भी असल में लंबाई को ही बोलते हैं, लेंथ ही होती है। दोनों कंडीशन में वो कहलाएगी क्या? लेंथ ही। जैसे इस मार्कर की बात करो तो मैं ये नहीं बोलूंगा यहां से यहां तक का फासला कितना है, डिस्टेंस बताओ, नहीं, यहां से यहां तक लेंथ कितनी है, स्केल रख के आप लेंथ बता दोगे, ठीक है। तो बिल फर्क अगर मैं बताऊं तो छोटी चीजों के लिए हम बोल रहे होते हैं, हम क्या बोलते हैं? लेंथ। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, छोटी चीजों के लिए लेंथ नहीं बोलेंगे, या छोटी चीजों के लिए लेंथ बोलेंगे, बड़ी चीजों के फासला बोलेंगे, क्या करेंगे बताओ? क्या समझ में आ रहा है? ठीक हो गया। अब बुर्ज खलीफा की लेंथ होगी या फासला होगा? हाइट, लेंथ। देखो हाइट, विड्थ, लेंथ तीनों एक ही चीज है, तीनों एक ही चीजों का नाम है। बुर्ज खलीफा अगर यूं है, गिर जाए, तो अब उसकी हाइट तो नहीं होगी, आपको लंबाई होगी, लेंथ ही नापोगे, ठीक है। ये मार्कर सर इसकी हाइट, अब लंबाई, ठीक है। अब यूं रखते हैं तो चौड़ाई। अब यही बात है, चौड़ाई किस चीज को बोल रहे थे? जब हम किसी चीज में जो ज्यादा लेंथ होती है उसको लंबाई बोल देते हैं, जो दूसरी साइड होती है, हालांकि नाप दोनों तरफ से, इसकी लेंथ यू नापो, इसकी लेंथ यू नापो, वर्ड लेंथ ही है, या इसकी लेंथ यू नापो। तो नाम तीनों का चेंज है कंडीशन के ऊपर। अगर कोई चीज उठी हुई है, ऊपर की तरफ है, तो उसको क्या बोलेंगे? हाइट की तरफ बोलेंगे, भाई इसकी हाइट कितनी, हाइट या लंबाई कितनी, एक ही वर्ड है दोनों के लिए, ठीक है। ये तीन अलग अलग जुमले हैं एक ही चीज को डिफाइन करने के, वो क्या है? लेंथ। और असल में लेंथ किसको डिफाइन कर रहा होता है? डिस्टेंस को, फासले को, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। जब हाइट बोली गई तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, जब इस मार्कर को बोला गया तो यहां से यहां तक मैं इसकी लंबाई बोलूं, चौड़ाई बोलूं, या हाइट बोल दूं,
ठीक है भाई, ये चीज हमने देख ली कि मीटर में इस तरीके से। अब इसी के साथ हमारे पास एक और चीज आई है, जैसे ये लेंथ चल गई, लेंथ के साथ एक और अगर दो बार लेंथ आ जाए, अगर किसी चीज की दो बार लेंथ बतानी पड़ जाए और अलग दो डायरेक्शन में टू डायमेंशन को लेके चलना पड़े, किसमें टू डायमेंशन में लेंथ को बताना हो, टू डी लेंथ, अगर मुझे टू डी लेंथ बतानी हो, टू डायमेंशन लेंथ, तो ये टू डायमेंशन लेंथ क्या होगी, एरिया। टू डायमेंशन का क्या मतलब होता है, एक्स और वाई दोनों कवर करना है, यूं कवर किया तो यूं भी कवर करना है। तो जब दो चीजों की दोनों साइड्स की किसी चीज की हमें वो वैल्यू बतानी पड़े, ये भाई इस तरह है, ये बिलफर्ज कोई बॉक्स है तो इस तरह भाई ये दो मीटर है, इस तरह किस तरह है, इस तरह भी ये दो मीटर है, ठीक है, जितना भी है डेढ़ मीटर है दो मीटर है। अब ये क्या है, ये है इसका जो कुल मिला के बात हमें पता चली है वो मेरे पास क्या है, एरिया है। क्या है, एरिया पता चला है भाई। इस इंस्टीट्यूट का या किसी प्लॉट का, किसी जमीन का हम क्या मालूम कर रहे होते हैं, एरिया मालूम। एरिया असल में किसी चीज की सरफेस होती है, सतह, किसी चीज की सतह को मालूम करना क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। असल में किसी चीज की सतह, अब जाहिर सी बात है सतह एक सीध में थोड़ी होगी, दो तरफ आप बताओगे यूं भी और यूं भी, तो ये टू डायमेंशन चल रहा होता है। अब इसी तरह ये क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखी भी चीजें, अब हम इसकी दूसरी चीज पर आते हैं जो इससे अगली चीज है। अच्छा, एरिया का और लेंथ में अगर आ जाऊं, वन बाय वन उनको कंपेयर कर रहा हूं ना, तो एक चीज तो हमें पता चल गई, किसी तरह भी चले लेंथ है। अगर मैं बोलूं एरिया में कितनी लेंथ होती है, एक लेंथ होती है और एक विड्थ होती है, एरिया में असल में दो लेंथ होती है, बस अपनी पहचान के लिए अपनी समझ के लिए हम क्या कहते हैं, दो लेंथ। अब देखो इस पर्दे की चौड़ाई कौन सी है और क्या नाम है, लंबाई कौन सी है, चौड़ाई है लंबाई है। अब इस पर्दे की बताओ, दो मीटर बाय दो मीटर, आप बोलो, आप बोलोगे सर ये लंबाई है, मैं यू घुमा दूंगा ये, क्योंकि अब चौड़ाई हम खुद बताते हैं, जो चीज ज्यादा लंबी जा रही होती है तो हम उसको क्या कह रहे होते हैं, ये लंबाई है, और जो चीज उसमें कम होती है उसको हम चौड़ाई कंसिडर कर लेते हैं। तो ये हमारे अपने समझने के लिए हमने लंबाई और चौड़ाई का कॉन्सेप्ट दिया हुआ। अब इसकी बात करूं, हाँ ये वाली चीज, इसकी चौड़ाई बोलेंगे हम, इस चीज को हम क्या बोल रहे, चौड़ाई बोल रहे, और इसको क्या बोल रहे होंगे, इसकी लंबाई, डायगोनल में लेके चल रहे। इसी तरह इस इंस्टीट्यूट की बात करूं, देखो मैंने कहा ये दोनों चीजें अपनी पहचान के लिए रखी गई हैं, बस कि भाई एक कंसीडर ऐसे, वरना चौड़ाई आप अगर किसी चीज को, एक का साइड है दो बाय तीन, अगर कोई अरे यार दो बाय तीन का ले लाना था, तुम तीन बाय दो का ले आए, कोई फर्क नहीं है भाई, तो यूं घुमा ले दो बाय तीन या तीन बाय दो, एक ही चीज पड़ेगा, कोई फर्क इसमें नहीं पड़ने वाला। हाँ एक चीज में फर्क रहेगा, जैसे इस एलसीडी की कंसीडर करूं तो इसको देखने में डिस्प्ले में फर्क आ जाएगा, वाइड डिस्प्ले चाहिए, वाइड तो वाइड के लिए यूं बोला जाता है और लेंथ के लिए यूं वर्ड किया जाता है, ठीक है। अब बिछाने वाली चीज पर लेंथ और विड्थ एक ही जैसी होगी, भाई एक प्लास्टिक ले आया मैं, बिलफर्ज ये जगह पहले लेता हूं 20 फीट बाय 10 फीट है समझ लो, या 30 फीट बाय 10 फीट है, अगर 30 फीट बाय 10 फीट लाना था, मैं 10 फीट बाय 30 फीट ले आया, कुछ भी कोई कारपेट, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 30 फीट बाय 10 फीट है, 30 फीट वाला हिस्सा घुमा दो, लेकिन इसमें फर्क पड़ जाएगा, ये अगर लानी थी बिल्कुल 20 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये जो 20 सेंटीमीटर है इसकी लंबाई, शुरू वाली चीज चौड़ाई है और दूसरी वाली चीज लंबाई है, इसको हम ऐसे कंसिडर करते हैं, रॉ बाय कॉलम या विड्थ बाय हाइट, आप हाइट बोल दो या विड्थ बाय लेंथ बोल दो, ठीक है, पहली चीज विड्थ में कंसिडर कर रहे हैं हम लोग। अब यहां पर जो 20 सेंटीमीटर है इससे इस चीज को फर्क पड़ेगा, अगर आप ले आए 30 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर, अब डिफरेंस हो जाएगा, आपने तो मांगी थी
ऊंची, ये जो ये वाला साइज दिया था इसमें चौड़ाई कम है और ऊंचाई ज्यादा है, जब वो लाएगा तो क्या होगा, ऐसा साइज आ जाएगा, चौड़ाई ज्यादा और लंबाई कम। ठीक है भाई, तो ये इस चीज में कुछ चीजें हैं जिनमें इसका डिफरेंस आता है, वरना कुल मिला के बात ये कि हैं दोनों क्या है, एक ही चीज है। तो एरिया के अंदर कितनी लेंथ होती है, दो लेंथ होती है, जब भी बात होगी एरिया में दो लेंथ होंगी। अब लेंथ को कोई भी नाम आप दे दो। अच्छा, अब एक चीज देख लेंगे कि एरिया है, इसमें लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ का मतलब क्या हो गया, लेंथ का स्क्वायर हो गया। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो इसका यूनिट आ गया मीटर स्क्वायर। या अगर डायरेक्ट यूनिट पहले निकालना तो ऐसे लिख दो, एक लेंथ का यूनिट मीटर, दूसरी लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर बाय मीटर, मीटर स्क्वायर। तो एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का मतलब भाई इसमें दो यूनिट है ना, दो ए, दो लेंथ है जो आपस में मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट निकाल रहे हैं। जी बेटा, सर्कल का तो एरिया ये है ही नहीं, सर्कल का एरिया तो हम 2π के थ्रू निकाल रहे होते हैं, पाई लगाते हैं उसमें, पाई मैंने पूरा सर्कल बताया था, 180 डिग्री का एक होता है, 180 डिग्री का दूसरा, 2π का मतलब 360, पूरा फॉर्मूला है उसका। तो अब ट्राइंगल का भी अलग है, ये सिर्फ एरिया उस चीज का बताया जाए चकोर है, वरना इस शेप का एरिया बताओ। हाँ भाई, इसका भी एरिया है, इसको नापने का, हर शेप को नापने का तरीकेकार अलग है। ठीक है, हमने तो जाहिर सी बात है हमारा शेप नापने वाला काम तो है ही नहीं, तो जिसका ये फील्ड है वो इस फील्ड के अंदर जानता है भाई किस तरीके से, लेकिन हमें बेसिक नॉलेज पता है कि भाई हर एरिया के अंदर लेंथ और विड्थ नापी जाती है। अब इसके अंदर अलग तरीके कार होगा, इसमें आधा सर्कल है तो आधा कुछ सर्कल वाला तरीके कार लगेगा, आधे में ट्राइंगल है ट्राइंगल वाला। अब ऐसे को देखूं अगर मैं, ऐसे बना दूं ये शेप डायमंड की तरह, अब क्या होगा, अब इतना हिस्सा ट्राइंगल है और इतना हिस्सा सेमी सर्कल है। अगर सेमी सर्कल और ट्राइंगल के हिसाब से चलूं इसका एरिया मालूम करने के लिए, तो फिर मुझे ऐसे मालूम करना पड़ेगा एरिया। बात समझ आई? ठीक है, तो अभी हम यहां पर हैं वॉल्यूम। अब वॉल्यूम की बात करते हैं। एरिया तो मैंने आपको बताया, लेंथ मैंने बता दिया, किसी चीज की सिंगल एक साइड मालूम करनी हो आपको, एक लंबाई मालूम करनी हो आप मालूम। एरिया क्या होता है, किसी सरफेस, किसी प्लॉट का एरिया मालूम करना है आपने, किसी भी, किसी कॉपी का एरिया मालूम करना है, किसी मोबाइल की स्क्रीन का मालूम करना है। ठीक है, ऐसे मल्टीपल, जैसे इस स्क्रीन का मालूम करना है तो एक कितनी जगह घेरेगा पूरा, ये हो सकता है। एक चेयर का एरिया मालूम होगा। ठीक है, अब एक चीज आती है वॉल्यूम, क्या आती है, अच्छा लेंथ कितने, लेंथ के अंदर कितनी लेंथ होती है, एक, एरिया में कितनी होती है, दो। वॉल्यूम, अब ये 1D है, ये 2D है और वॉल्यूम 3D है, इसमें 3 डायमेंशन है। लेंथ में कितनी डायमेंशन होती है, लेंथ में कौन बोल रहा है, दो नशे में मुंह से ही निकलेगा और कहां से निकलेगा, थोड़ा मुंह को कंट्रोल में रखो। दो, ये वो ऐसे बातें कर रहा है, वो बच्चा नहीं मिला था जादू वाला, धूप। अच्छा, 2D इमेज हमने देख लिया, 1D देखा किस तरीके से, 2D देखा, अब ये 3D की बात आ रही है। 3D में क्या होगा, लेंथ विड्थ और हाइट। अब ये लेंथ विड्थ और हाइट, अगर मैं इसकी मिसाल लूं, ठीक है, ये इसमें कोई लेंथ होगी, कोई विड्थ होगी और कुछ हाइट भी होगी। वॉल्यूम, वॉल्यूम 3 डायमेंशन होता है, इसका मतलब ऐसी कोई चीज है जिसके अंदर कुछ रखा जा सकता है या कुछ पहले से मौजूद है, जैसे कि सिलेंडर है, सिलेंडर। एक तो इसका लेंथ विड्थ वगैरह जैसे बिल्फर ये और ये चीज मालूम की जा सकती है, दूसरा ये वॉल्यूम का पार्ट है। गिलास की एग्जांपल लो, गिलास मेरे सामने इसी की एग्जांपल है कि भाई गिलास के अंदर क्या होता है, पानी रखा जा सकता है। अगर गिलास का सिर्फ वो जो ऊपर ढक्कन होता है उसको बोलूं, उसका एरिया होगा, ठीक है, उसका क्या होगा, सिर्फ एरिया होगा, वो 2 डायमेंशन है, यू और यू। अगर जरा सी भी कोई चीज उठी, अच्छा प्लेट का क्या होगा, भाई प्लेट भी
बिल्कुल ऐसे स्टेट तो नहीं होती ना, ऐसे तो नहीं होती बिल्कुल। प्लेट जब भी बनाते हैं जरा सा ऐसे करके यूं 3D इफेक्ट डाल के बनाते हैं कि भाई ऐसा फील हो ये हिस्सा अंदर की तरफ है, क्योंकि कोई चीज उसमें रखी जा रही है, तो उसका क्या होगा? वॉल्यूम होगा। क्या होगा? वॉल्यूम होगा। इसी क्या चोरस? क्या तो हो, उससे क्या फर्क पड़ता है बेटा? चकोर तो गिलास भी आप ले लो, चाहे यूं भी ले लो ना, ये ले लो, अगर कोई चीज है ये भी तो चकोर है, ऐसे ले लो, लेकिन ऊपर ये भी डब्बा बना लो, ये डब्बा भी बना लो, चलो ऐसे कर लो, ऐसे नीचे ले आओ, ये एक डब्बा पूरा बना दो बेशक। इनमें आएगी ना भाई, इसमें लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है, तीन चीजें। देखो ये इसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई। चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई। आपका टैंक पानी वाला, अब वो तो चकोर होता है, पूरा बॉक्स होता है। टैंक आपके पास क्या है? टैंक का क्या है? वॉल्यूम है। वॉल्यूम के अंदर कितना सामान आ सकता है हम देखेंगे। जैसे एरिया है, एरिया सिर्फ सरफेस है, लेकिन वॉल्यूम में क्या है कि हाइट भी शामिल हो जाएगी। तो किसी चीज की वॉल्यूम की अगर बात करूं तो उसमें लेंथ, फिर क्या होता है? विड्थ। अब हम वर्ड देंगे विड्थ, वरना मैंने कहा ना तीनों को अगर बात करूं तो तीनों हैं क्या असल में? लेंथ ही है, इसमें थ्री लेंथ होती हैं बस, और एक चीज है हाइट। जाहिर सी बात है 3D शेप सारी की सारी, उसमें क्या होगा? वॉल्यूम होगा। अगर इसका भी बात करूं, ये जो पंखे का ये है, ये जो कवर बना हुआ है, ये भी वॉल्यूम बना हुआ है। वॉल्यूम देखा है, क्यों? इसमें परने परने घूमना है, तो इसकी चौड़ाई, इसकी ऊंचाई, ठीक है, सब एक तरीके से बनाई गई है भाई, ठीक है। अब ये सर्कल है तो इस पे जाहिर सी बात है एरिया कितना लगा होगा? 2π वाला, 2πr² है या 2πr करके सर्कल का वॉल्यूम निकलता है। एरिया नेट तो चले ना 2πr² है शायद, तो हमारे पास किसका एरिया निकलेगा? सर्कल का एरिया निकल जाएगा। अब वॉल्यूम निकालना है तो साथ में उसकी हाइट भी प्लस होगी भाई, हाइट भी उसके अंदर ऐड होगी हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे जितनी भी हमारे पास शेप्स हैं जिनके अंदर हम कोई चीज ऐड कर सकते हैं, उसका क्या होता है? वॉल्यूम। इवन के चम्मच का भी क्या होता है? वॉल्यूम होता है। चम्मच के अंदर भी कोई चीज रखी जाती है। देखो चम्मच को, इसे अगर चम्मच बिल्कुल फ्लैट बना देते, चम्मच के अंदर देखो ना नीचे उसको ऐसे किया हुआ होता है ना, ये शेप दी हुई है ना, तो ये देखो इस चीज से ये हाइट ही है ना भाई। क्या अब ये अलग अलग तरीकेकार है इनको नापने के, जाहिर सी बात है इतनी छोटी चीजों के एरिया नाप के करना क्या है वॉल्यूम नाप के, खैर, लेकिन उसके अंदर देख लेते कितनी mm का वो आ जाता है। एरिया नापने के लिए उसके अंदर पानी डाला जाता है या दवाई रखी जाती है, मैक्सिमम कितना स्टोर कर सकता है। अब एक बोतल का वॉल्यूम मालूम करना है, मुझे पता है कैसे मालूम होगा? सिंपल, बोतल के अंदर पानी डालो, कितने लीटर पानी आता है उतना इसमें वॉल्यूम है। एक टैंक का मालूम करना है, कितने टैंकर पानी आता है उसका वॉल्यूम मालूम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इसमें तीन लेंथ है तो क्या होगा? आप देखो यही चीज मैंने आपको स्टार्ट में एक एग्जांपल दी थी, वॉल्यूम का फर्क ऐसे नहीं पड़ता 3D में। अगर कोई शेप ऐसे है शेप, ठीक है, और कोई शेप ऐसे है, हो सकता है इन दोनों में पानी क्या आए? सेम आ जाए, तो इसकी ये शेप या यू शेप में फर्क नहीं पड़ता ओवरऑल, क्योंकि तीन है ना, तीन तरीकेकार है। बिल्कुल इस वाले की लंबाई ये है, यू अगर बात करूं यू, ठीक है, जो इसकी लेंथ है टू, लेंथ टू है, इसकी विड्थ भी है टू है, ठीक है, और लेकिन इसकी हाइट जो है वो सिक्स है। अब इसकी बात करूं, इसकी लेंथ जो है वो टू है, इसकी विड्थ लेकिन ज्यादा है, सिक्स है, और इसकी हाइट जो है वो टू है। अब कुल मिला के वॉल्यूम अगर निकालूंगा दोनों का सेम आएगा, कैसे? वॉल्यूम बराबर होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। तो यहां पर अगर निकालूं 2 6 2 2 6 12 और क्या आएगा 24, यहां पर आ जाऊं तब भी यही चीज है, टू टू द फोर, फोर सिक्स 24, दोनों के अंदर आंसर क्या आएगा? सेम आएगा, तो इन तीनों में से कुछ भी बराबर हो। अगर एक भी चीज भाई कॉम्बिनेशन कम ज्यादा है, बिल्फर्स की हाफ लेंथ कम है, तो पता चल जाएगा उससे कम आएगा। तो ओवरऑल मिला के बात ये कि वॉल्यूम के अंदर मेरे पास, फिर वॉल्यूम के अंदर वो चीजें आती है जो 3D होती है। वॉल्यूम मतलब 3D है, जिसमें लेंथ विड्थ और हाइट शामिल है।
अच्छा अब आता हूँ तीनों के अंदर। जैसे मैंने कंपैरिजन बताया आपको कि भाई क्या क्या कंपैरिजन्स के अंदर है। लेंथ मेरे पास सिंगल डायमेंशन, वन डायमेंशन होगा, इसका यूनिट सिर्फ मीटर है। अगर किसी चीज के अंदर आप यूनिट देख रहे हो मीटर, समझ लो वो लंबाई है। अब वो लंबाई किसी भी काम में के तरीके से हो सकती है, लंबाई का मतलब डिस्टेंस ही है, फासला ही है एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट का। भाई यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक क्या लंबाई है या क्या ऊंचाई है, ठीक है, या फिर कितना फासला है इधर से लेके इतना, तीनों अल्फाज बोलने में फर्क है, मतलब एक है, काम एक है, ठीक है भाई। लेकिन बोलने में आसानी के लिए हम बोल देते हैं यार ये चीज है, ठीक है। और इसके बाद अगर एरिया बात करूं तो एरिया मेरे पास क्या है, दो डबल लेंथ को, किसी ऐसी चीज का जिसका लेंथ डबल हम काउंट कर रहे हैं, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को कवर कर रहे हैं, दोनों को क्या कर रहे हैं, इसका एक्स एक्सिस भी देख रहे हैं और वाई एक्सिस भी। इसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ या वेट जिसको बोलते हैं। और अगर हाइट की बात करूं तो हाइट में तीनों चीजें शामिल हैं, क्या क्या, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये इन तीनों में डिफरेंस है। और इसका फॉर्मूला होगा मीटर क्यूब, क्योंकि इसमें तीन बार लेंथ है तो तीन बार m मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय m, m m the m स्क्वायर हो जाएगा और फिर ये मल्टीप्लाई बाय m का क्यूब हो जाएगा तीन बार। तो इसका जो यूनिट मेरे पास निकलता है वो क्या है, m क्यूब। बस ये नोट कर लेना, ये ना बाद में पूछूं तो शक्लें देख रहे हो, ठीक है। अब आते हैं टाइम के ऊपर, वक्त। टाइम क्या होता है भाई, वक्त है ना। टाइम को कैसे नोट करते हैं, हाँ वैसे तो हम लोगों ने टाइमर बना लिया है, किसी चीज का चक्कर बना लिया है। क्लॉक नहीं थी पहले जमाने में तो लोग क्या करते थे, उससे पहले क्या करते थे, हाँ सूरज का टाइम देख लेते थे। सर्दियों में कम टाइम सूरज निकल रहा है, सूरज यहां पहुंचा, सूरज वहां पहुंचा, इस चीज से वो क्या करते थे, टाइम का अंदाजा लगाते थे। अब ये सेकंड क्या होता है, जैसे मैं सिंपल काउंट करता ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, अगर मैं ऐसे करूं तो ये बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि असल में गिनती गिननी थी। अब मैं एक बंदे को बिठा दूं, बोले यार आज से तेरा काम है तू सारी जिंदगी टाइम गिनेगा, अब वो बीच में एक टाइम भी या तो गिनती भूल जाए या तो डंडी मार जाए, है ना, इंसान है ना, तो प्रॉब्लम हो सकती थी। इसीलिए फिर यही काउंटिंग हमने किससे गिनवाना शुरू की, मशीन्स के थ्रू। लेकिन दो किस्म की ये है, जैसे एग्जाम्पल दी गई एनालॉग, सबसे पहली एनालॉग क्लॉक क्या थी, वो मट्टी वाली क्लॉक थी, वो जो शीशे में मट्टी डाल दी और अंदाजा रखा गया कि उसमें इतना सा होल होगा, इतनी मट्टी एक अगर गिरती है बिल्फर, एक इतना सा बड़ा सा बना के रख दिया, उसमें इतनी मट्टी डाली, देखा एक दिन, नोट किया कि भाई सुबह जब सूरज निकलता है और सूरज गुरूब होने तक ये क्या होता है, एक दफा खाली हो जाता है, ठीक है भाई जबरदस्त। फिर क्या, अरे भाई मतलब मट्टी नीचे गिरती रहती है, कभी जिंदगी में देखा नहीं वो शीशे वाला, हाँ। अब वो बिल पर सुबह सूरज निकला, तब से लेकर शाम तक जब सूरज गुरूब होता तब तक वो खाली हो गया, उसको घुमा दिया सुबह के टाइम दोबारा, अब देखा कितना टाइम है, जितने टाइम में वो गिर रहा है, दो मरतबा एक दिन में सूरज के जाने के बाद और आने तक वो गिर जाता है, इतने टाइम को आप कंसिडर कर लो क्या, 24 आवर्स, 12 घंटे ना, दिन हो गया एक और एक क्या हो गया, रात का वक्त हो गया। अब किसी ने बोला यार आजकल रात दिन छोटा हो गया, कैसे अंदाजा लगाया, कि भाई पहले पूरी मट्टी गिरती थी तब अंधेरा होता था, आजकल मट्टी थोड़ी सी बच जाती है तो क्या होता है, अंधेरा होता है, ये टाइम नोट करने का तरीके कार होता था। फिर वो गिर गया, फिर घुमा दिया उसको, उसी वक्त देखा रात लंबी चल रही है, लेकिन घूम फिर के बाद क्या आनी है, 24 घंटे उसी में पूरे होने, अगर रात बड़ी भी हो जाए तो दिन छोटा हो जाएगा, दिन बड़ा हो जाए तो रात में क्या होना है, छोटा होना है, एक टाइम में एक चीज को। तो अगर भाई सूरज टाइम लगाकर आ रहा है, देर से आ रहा है, तो क्या होगा, चांद ने उतनी देर तक रुकना है ना, जब चांद हट जाएगा तो फिर सूरज आएगा, तो डे एंड नाइट का सर्कल क्या होता रहेगा, पूरा होता रहेगा, 24 आवर्स, ऐसे नोट कर लेते थे। फिर इस चीज को और आसान किया गया, कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर क्लॉक बनाई, पहली क्लॉक जो बनाई है वो क्या थी,
एनालॉग क्लॉक, एक क्लॉक वो भी थी जो अभी बताइए मट्टी के तरह नोट करते थे वो भी, और जो सूरज से करते थे वो भी एक क्लॉक थी भाई, उनका अपना अंदाज था नोट करने का। अब ये जो एनालॉग डिजिटल बोल दिया, एनालॉग क्लॉक क्या होती थी, इन्होंने कहा यार चक्कर के हिसाब से नोट करो, किसके हिसाब से नोट करो, चक्कर के हिसाब से नंबर लगा दिए, 1 2 3 4 करके एक मशीन घुमा दी, बोला देखते हैं एक दिन में ये कितने चक्कर लगाती है अगर इतनी स्पीड से चलती जाए। जब एक दिन में देखा गया, सबसे पहली जो आर्स की सुई लगा लो बिलफर्स, आर्स वाली, आर्स की अगर मैं सुई लगा दूं तो आर्स की सुई बनी सबसे पहले अगर, तो ऐसे 12 घंटे बना लिए हम लोगों ने, 1 से यहां से 12 से स्टार्ट हुआ और 1 2 3 4 5 6 7 इस सुई ने एक दफा पूरा चक्कर लगा लिया, देखा आधा दिन गुजर गया, उसी सुई ने दोबारा चक्कर लगाया तो एक पूरा दिन और रात गुजर गया। इसको कंसीडर किया गया क्या, 24 आवर्स, अब 24 घंटे ये होते हैं। अब ये आर्स की कहानी थी, अब मसला ये ठीक है, अब वो टाइम देखें तो कैसे देखें भाई, सुई यहां से यहां गई, बोला 1 घंटा हो गया, लेकिन 1 घंटा भी नहीं समझ आ रहा था। उसके साथ एक और छोटी सुई लगाई गई, उसका क्या काम होता था, वो ये जो आर्क वाली सुई भी मूव कर रही है यहां से यहां, उसको भी नोट करती थी, वो भी चलती थी, वो समझ जाते थे जब ये एक सुई पहले पूरा एक चक्कर मुकम्मल करेगी तो दूसरी सुई यहां से यहां तक आएगी। ऐसा ही होता ना घड़ी के अंदर, पहले वो जो छोटी मिनट्स वाली सुई है वो पूरे 60 मिनट होते हैं, तो 1 आवर वाली जो 12 पर है वो कहां चली जाती है, 1 पे चली जाती है, फिर 1 से वो दोबारा वही 12 चक्कर पूरे करती है तो फिर वो 2 पे जाती है। इस तरीके से चक्कर मुकम्मल होते रहे भाई, इतने चक्कर लग गए ये। इसके बाद टाइम और नोट करने की जरूरत पड़ी कि भाई ये भी बहुत लंबा टाइम है यार, बैठे रहो 1 मिनट तक देखते रहो, अभी कुछ हुआ है, या 5 मिनट से पहले टाइम किसी और काम के लिए, किसी चीज को छोटे एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ सेकंड्स का टाइम नोट करना होता है, अब उस टाइम को कैसे नोट करें। उसके लिए फिर एक और भी बनाएगी जिसकी स्पीड उससे भी, ये सारा ताल्लुक स्पीड से चल रहा था, टाइम की स्पीड से जितनी ज्यादा, एक और सुई लगाएगी। अब ये इसके अंदर वो क्या बोलते हैं गरारियों वाला सिस्टम होता है भाई, पहले ये वाला चलेगा, जैसे बाइक के अंदर भी होता है, पहले फर्स्ट गियर डलता है इतना, दूसरा गियर डलता है इतने इतनी स्पीड तक, तीसरा इतनी स्पीड तक। अब ये जो लास्ट वाली सुई ऐड की गई इसकी स्पीड सबसे ज्यादा थी, अब लास्ट वाली फटाफट से एक चक्कर मुकम्मल करेगी तो उससे सेकंड वाली मुकम्मल करेगी तो क्या होगा, मिनट वाली एक पॉइंट चलेगी, मिनट वाली एक पूरा चक्कर कंप्लीट करेगी तो आर वाली एक पॉइंट चलेगी। मतलब सेकंड वाली ने 60 चक्कर लगा दिए, एक चक्कर पूरा लगा दिया तो कितना, 1 मिनट हो गया, ठीक है, और मिनट वाली ने 60 चक्कर लगा दिए तो कितना, 60 चक्कर नहीं मतलब हाँ 60 तक चक्कर लगा दिया, 60 12 तक एक पूरा चक्कर लगा दिया तो अब दूसरी वाली का कितना मुकम्मल होगा, 1 पॉइंट कंप्लीट होगा। तो सेकंड वाली जब 1 पॉइंट चक्कर लगाएगी तो 1 मिनट वाली 1 पॉइंट हिलेगी, जब मिनट वाली पूरे 1 चक्कर लगाएगी तब जाके मेरे पास वो आर वाली 1 चक्कर लगे। आर इसीलिए आर कितने चलते हैं, 12 सुई के अंदर 12 चलते हैं भाई घड़ी में, आर कितने चलेंगे 12, ये 12 आर तब चेंज होंगे जब मिनट जो है 60 तक जाएगा, ठीक है, मिनट कितने होते हैं 60 होते हैं और सेकंड कितने होते हैं, तो भाई 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड्स के, और 1 आर बोलूं, सॉरी ये मैंने ये लिख दिए, 1 मिनट बराबर हो गया 60 सेकंड्स के, और फिर इसमें 12 आर में आओ अगर 1 आर बराबर हो गया 60 मिनट्स के, ठीक है भाई बात समझ आई। तो इस तरह से मेरे पास आर्स, आर से कम मिनट, मिनट से कम क्या चल रहा है सेकंड का प्रोसेस, और सेकंड से और कम भी चलता है, मिली सेकंड भी, लेकिन अभी फिलहाल हमने उतनी डिटेल में नहीं जाना। अब ये तो आ गई बात एनालॉग की, किसकी आ गई, एनालॉग मेरे पास कैसी चीज चल रही है भाई, क्या टाइम हो गया, अच्छा क्या ये एनालॉग ही है ना भाई, यही तो बता रहा हूं कि यही चीज, ये वाली क्लॉक जो मेरे पास चल रही है ये एनालॉग ही तो है, एनालॉग क्लॉक है, एनालॉग में कोई डिजिट का काम नहीं चल रहा मेरे पास, यानी कि
इसको चेंज होने में डिजिट का काम नहीं है, इसको चेंज होने में कोई फिजिकल चीज है जिसका काम है, ये किसी डिजिटल चीज पर नहीं चल रही है। ठीक है, तो एनालॉग में मेरे पास डिजिट नहीं है, डिजिट के चेंज होने पर कोई कंडीशन लगकर ये काम नहीं हो रहा, ये मेरे पास सीधा सीधा किसी ना किसी फिजिकल फिनोमे में चल रहा है, यानी कि अगर एक सुई इतने चक्कर लगा लेगी तो एनालॉग के मुताबिक एक मिनट हो गया, फिर ये वाला एक चक्कर लगा लेगी तो एक आर हो गया, ठीक है, फिर पूरा एक चक्कर लगाएगी तो 12 आर्स हो गया। अब अगर मैं इसी पर आ जाऊं डिजिटल के हिसाब से, तो ये जो डिजिटल वर्ड निकला है ये निकला है डिजिट से, किससे, ये बिल्कुल नई एवोल्यूशन थी मार्केट के अंदर, जब ये आई तो बड़ी नई एवोल्यूशन लेकर आई, ये असल में बेस कर रही है डिजिटल चीजों पर। डिजिटल मतलब अब कोई ऐसी केमिकल चीजों से मिलकर बनाए, जैसे सेल वगैरह से, सेल के अंदर होते क्या है, केमिकल्स होते हैं, इन्हीं केमिकल्स के थ्रू कोई चीज हमें डिस्प्ले दिखाती है, अब हमें कोई चीज डिजिटल फॉर्म में नंबर की फॉर्म में नजर आती है, नंबर की फॉर्म में, किस फॉर्म में नजर आती है, नंबर्स की फॉर्म में, 1 2 3 4 ऐसे हमें ये टाइम की कैलकुलेशन के लिए डिजिटल क्लॉक नजर आती है। इसमें सिंपल हमारे पास नंबर्स की फॉर्म होगी, जैसे पहले हम 12 आर की बात कर रहे थे, इसमें अब 1 डे से शुरू होता है, ये एक दिन को तस्वीर करता है किसके बराबर, 24 आवर्स, इसके अंदर 24 आवर कंप्लीट होने पर 1 डे चेंज करवाता है। इसी तरह हर आर के अंदर ये क्या करता है, एक आर में कितने से मिनट होते हैं, 60 मिनट, क्या हुआ, इसी तरह एक मिनट के अंदर कितने होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। अच्छा, ये जो डिजिटल क्लॉक मेरे पास आ रही है, ये असल में दो चीजों का मजमुआ है, एक हार्डवेयर चीज और दूसरी क्या है, सॉफ्टवेयर, ये अकेला कुछ नहीं है, दो चीजों से मिलकर बना है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मैंने बताया होगा, हार्डवेयर क्या होता है, स्टार्ट में बताया होगा, इंट्रोडक्शन दिया था जब, हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर कंप्यूटर या किसी भी चीज के, जैसे कंप्यूटर भी है, दो चीजों से मिलकर बना है। हार्डवेयर किसी चीज का हार्ड पार्ट, ऐसी चीज जिसको मैं टच कर सकता हूं, छू सकता हूं, देखो इस एलसीडी को टच कर सकता हूं, माउस को टच कर सकता हूं, ये हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर ऐसी चीज जिसको मैं टच नहीं कर सकता। अब मैं किसको टच नहीं कर सकता, क्या मैं गूगल क्रोम को उठा के जेब में डाल सकता हूँ, लेकिन माउस को जेब में डाल सकता हूँ। इसी तरीके से मैं एमएस वर्ड को, एमएस ऑफिस को जेब में डाल सकता हूँ, नहीं डाल सकता। तो ये मेरे पास क्या है, सॉफ्टवेयर पार्ट है जो हमें स्क्रीन पर दिख रहा होता है। तो हार्डवेयर, ये डिजिटल क्लॉक भी जो हमें दिखती है, दो चीजों से मिलकर बनी है, एक उसका हार्डवेयर पार्ट भाई, उसके अंदर सेल है, क्लिप्स लगे हुए, छोटी छोटी पिने लगी हुई, मल्टीपल चीजें, एक सर्किट है जिसके अंदर ट्रांजिस्टर लगे होंगे और मल्टीपल चीजें जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो हमें स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है। ये जो स्क्रीन पे हमें ये जो नंबर की फॉर्म में दिख रहा है, इसके पीछे क्या है, सॉफ्टवेयर पार्ट है इसका, क्या है, सॉफ्टवेयर पार्ट है इसका। तो हम इसको यहां पर स्टॉप करेंगे, कल हमने नेक्स्ट चीज, लास्ट चीज अपनी स्पीड से देखना है, और इन्हीं के कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, हम इसको इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। बाकी इसके कुछ क्वेश्चन है आपने देखना है, लेंथ, वॉल्यूम, एरिया, क्या, बस मेजरमेंट एंड हो गई है, खत्म। अगर वो होती तो और जल्दी हो जाता, अगर मैं कंप्यूटर से वहां से पढ़ाता तो, लेकिन टाइम इसमें ज्यादा हमें इस वजह से लगा है कि मैंने सारा जीरो से बताया, तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं। हाँ ठीक है भाई, हम इसको यहाँ स्टॉप करते हैं, कल हमने इसका लास्ट पार्ट देखना है, वैसे खाली इसको नहीं देखना, इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो लोग आप एक काम करना, वॉल्यूम के, ठीक है, और ये इसके क्या नाम है, टाइम स्पीड वाले, तो टाइम और स्पीड के क्वेश्चन देख लेना, स्पीड वाला मैं बता दूंगा, ताकि हम अगर किया प्रैक्टिस के कल क्लास निकल गए तो ठीक है, अदरवाइज जो है कल से हमने डेटा स्टार्ट करना है। ठीक है भाई, यहाँ स्टॉप करते हैं हम इसको।